और वहीं यूक्रेन रूस युद्ध पिछले कई दिनों से लगातार जारी है। यूक्रेन के खार्किव में रूसी सेना ने एक बार फिर से हमला कर दिया है और वो रूस ने पिछले 22 दिनों में खूब तबाही मचाई है। और पहली तस्वीर अब आपको दिखाते हैं युद्ध की, किस तरीके से देखिए, लगातार सायरन वहां पर बजाए जा रहे हैं ताकि लोग खुद को सुरक्षित जगहों पर पहुंचा सके और भीषण तबाही लगातार हो रही है। हर ओर यही तस्वीर, हर ओर से, हर शहर से, हर इलाके से यही तस्वीर अमूमन देखने को मिल रही है। और दूसरी तस्वीर अब युद्ध की हम आपको दिखाते हैं। खार्किव में रूसी सेना की गाड़ी पर यूक्रेनी सैनिकों ने गोलीबारी किया जिसमें ड्राइवर की मौत हो गई और उसके बाद गाड़ी भी एक पोल से जा टकराई और वहीं पर रुक गई। खार्किव का इलाका है जहां की तस्वीर आप देख रहे हैं और ये गाड़ी आगे बढ़ रही है लेकिन अचानक इस पर अटैक होता है और आगे पोल पर जाकर ही टकरा जाती है। और वहीं तीसरी तस्वीर अब आपको दिखाते हैं, रूसी सेना के हमले से एक बाजार में भीषण आग लग गई है जिसमें खार्किव का बाजार पूरी तरह से तबाह हो गया है। बाजार की तस्वीर, ना बाजार बचे हैं ना घर बचे हैं। और चौथी तस्वीर भी यही देख लीजिए, युद्ध की अगली तस्वीर है खार्किव के एक स्कूल की जहां पर रूसी हमले के बाद खार्किव के ये स्कूल पूरी तरह से तबाह हो गया है। ये चौथी तस्वीर के जरिए हम आपको स्कूल में तबाही का एक भीषण मंजर दिखा रहे हैं। वहीं पांचवी तस्वीर भी आपको दिखाएंगे, युद्ध की अगली तस्वीर, दर्दनाक तस्वीरें मारियोपोल से सामने आई है। वहां पर एक कमरे के अंदर बहुत सारी डेड बॉडीज रखी गई हैं। देखिए ये दिल दहला देने वाला, झकझोर देने वाला दृश्य है जहां पर डेड बॉडीज रखी गई, इसी वजह से हमें ब्लर भी करना पड़ा है। और छठी तस्वीर अब आपको दिखाते हैं, यूक्रेन के मारियोपोल में ही रूस ने एक थिएटर पर बम बरसाए जिससे आम इस हमले के कई लोगों की मौत की आशंका भी जताई जा रही है। थिएटर में लोग छिपे हुए थे और ऐसे में बम बरसा दिए गए रूस की ओर से। और सातवीं तस्वीर भी आपको दिखाते हैं युद्ध की, एक और तस्वीर जो सैटेलाइट तस्वीरें हैं वो सामने आई हैं जिनमें यूक्रेन में मची तबाही साफ देखी जा रही है। सैटेलाइट इमेजेस भी कैप्चर हुई हैं इस पूरे हमले की जो अब तक रूस करता आया है। तो ऐसे में सातवीं तस्वीर में सैटेलाइट इमेजेस के जरिए कहां कहां पर लगातार बमबारी की जा रही है उसके जरिए आप अंदाजा लगा सकते हैं। और 24 फरवरी से रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध के 500 से ज्यादा घंटे बीत चुके हैं लेकिन इस जंग में के 22वें दिन भी रूस कीव के किले पर कब्जा नहीं कर पाया है जिसकी झुंझलाहट अब पुतिन और उनकी सेना पर साफ दिखाई दे रही है। और नतीजा ये कि अब रूस यूक्रेन के रिहायशी इलाकों को भी निशाना बनाने से नहीं चूक रहा है और यूक्रेन के मारियोपोल में हालात सबसे ज्यादा खराब दिखे यहां, जहां रूस की बमबारी में अब तक 2500 से ज्यादा आम नागरिकों की मौत की खबर है। रूस के बम यूक्रेन हुआ बेदम। यूक्रेन के शहर रूस का कहर, रूस के निशाने पर यूक्रेन के नागरिक। मारियोपोल में बमबारी से 2500 की मौत। यूक्रेन और रूस के बीच 24 फरवरी से शुरू हुई जंग के 22वें दिन रूस ने यूक्रेन के कई शहरों पर हमले और तेज कर दिए हैं। अब तक कीव पर कब्जा नहीं कर पाने से पुतिन इतने ज्यादा गुस्से में हैं कि उनके सैनिक अब रिहायशी इलाकों में मौजूद आम लोगों को भी निशाना बनाने से नहीं चूक रहे हैं। इस जंग के 22वें दिन सबसे बड़ी खबर यूक्रेन के मारियोपोल शहर से आई जहां रूस ने एक थिएटर को निशाना बनाते हुए बम बरसा दिए। इस थिएटर के अंदर रूस के हमलों से बचने के लिए वहां 1000 से ज्यादा लोग छुपे हुए थे लेकिन बमबारी की वजह से वहां कई लोगों की इस हमले में मौत हो गई। ये भी खबर है कि मारियोपोल शहर में 3.5 लाख से ज्यादा लोग फंसे हुए हैं। पूरे शहर को रूस की फौज ने घेर दिया है और लगातार हो रही बमबारी की वजह से लोगों की जान पर खतरा बना हुआ है। इस बमबारी में शहर के हजारों लोगों की जान अब तक जा चुकी है और जान बचाने के लिए लोग किसी भी तरह मारियोपोल से निकलने की कोशिश में लगे हैं। हालात ये हैं कि वहाँ खाने पीने का सामान तक खत्म हो चुका है। अकेले मारियोपोल में 2500 लोगों की मौत बमबारी की वजह से होने की खबर है। मारियोपोल में 3.5 लाख लोग ऐसे बताए जा रहे हैं जिनके पास खाने पीने को कुछ नहीं है, इसीलिए लोग शहर से भाग जाना चाहते हैं लेकिन शहर को रूस की फौज ने पूरी तरह से घेर लिया है, इसीलिए लोगों को बाहर निकलना भी अब मुमकिन नहीं दिखता। ऊपर से ठंड ऐसी कि वहाँ तापमान -5 डिग्री तक पहुँच गया है, मतलब ये कि -5 डिग्री तापमान में लाखों लोग फंसे हुए हैं। मारियोपोल में आसमान से हो रहे ताबड़तोड़ हमले लोगों को संभलने का मौका तक नहीं दे रहे। हजारों लोगों की मौत हो चुकी है, पूरा का पूरा शहर खंडहर में बदल चुका है। जंग के शुरुआती दिनों में तो केवल फौज के ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा था, ऐसी जगहों पर बम नहीं पहुंच रहे थे जहां आम लोग बसे हों। लेकिन अब खूबसूरत मारियोपोल में शायद ही ऐसी कोई इमारत बची हो जिसे बमबारी से नुकसान न पहुँचा हो।
रूस मारियोपोल पर जल्द से जल्द कब्जा करना चाहता है। उसकी वजह यह है कि मारियोपोल अजोव सागर की सीमा पर बसा शहर रूस के प्लान का अहम हिस्सा है। नक्शे पर देखें तो ये शहर पूर्वी यूक्रेन में है, जहां रूस की सेना ने जंग छिड़ने से पहले ही घेरेबंदी कर ली थी। मारियोपोल की समुद्री सीमा पर यूक्रेन का एक बेहद अहम बंदरगाह है, जो यूक्रेन में कारोबार के नजरिए से बेहद अहम है। मतलब ये कि अगर मारियोपोल रूस की मुट्ठी में आया तो यूक्रेन की अर्थव्यवस्था का बहुत बड़ा हिस्सा रूस के हाथ में चला जाएगा। अब बताया ये जा रहा है कि मारियोपोल की जो तीन जमीनी सीमाएं हैं, उन तीनों सीमाओं पर रूस की फौज ने घेरेबंदी कर ली है। शहर से बाहर निकलने का कोई रास्ता रूस की पहुंच से बाहर नहीं है। ऊपर से शहर के अंदर की जितनी भी अहम इमारतें हैं, चाहे वो सरकारी एजेंसियों के दफ्तर हों, स्कूल और यूनिवर्सिटी हों या बाजार हों, सभी जगहों पर रूस की बमबारी की वजह से भारी नुकसान हुआ है। इस बीच मारियोपोल से दिल दहला देने वाला एक और वीडियो सामने आया। ये वीडियो यूक्रेन की सेना की तरफ से जारी किया गया था, जिसमें रूस के हमले में मारे गए आम नागरिकों के शवों को दिखाया गया। हजारों की तादाद में ये शव एक कमरे में रखे दिखाए गए, जिसमें कई नवजात बच्चे भी शामिल थे। कुछ एजेंसियों के मुताबिक मारियोपोल में लोग सड़कों पर जमी बर्फ पिघलाकर पानी पी रहे हैं। अमेरिका की एक निजी सैटेलाइट कंपनी ने भी मारियोपोल की तस्वीरें जारी की है। तस्वीरों के आधार पर दावा किया गया है कि वहां बड़े पैमाने पर तबाही हुई है। शहर के बड़े बड़े हिस्से धुएं से ढके हुए हैं। बताया जा रहा है कि बहुत से लोग तो कारों में ही फंसे हुए हैं, जिन्हें शहर से निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा। एक तरफ यूक्रेन की सरकारी एजेंसियां आरोप लगा रही हैं कि रूस आम लोगों को निशाना बना रहा है, तो दूसरी तरफ रूस का दावा है कि मारियोपोल में आम लोगों को ढाल की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। बहरहाल, इस जंग में रूस के हमलों में अब तक यूक्रेन के हजारों लोगों की जान जा चुकी है। और इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, खार्किव में रूस के हमले में स्कूल को भारी नुकसान पहुंचा है और खार्किव में कई इमारतें तबाह कर दी गई हैं। खार्किव के रिहायशी इलाके पर हमले लगातार किए जा रहे हैं रूस की ओर से। बड़ी खबर आप देख रहे हैं, खार्किव का इलाका किस तरीके से ध्वस्त हो चला है। तस्वीरें आपके सामने, सब कुछ राख हो चुका है, सब कुछ मिट्टी में मिल चुका है और स्कूल पर ये हमले किए गए हैं। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, खार्किव में स्कूल मौजूद था जहां पर अटैक्स लगातार किए गए हैं, क्योंकि ये खबर मिली थी रूसी सेना को कि कई बच्चे यहां पर जो थे वो यहाँ पर छुपे हुए थे, उन्होंने खुद यहाँ स्कूल के भीतर शरण ली थी। तो ऐसे में स्कूल को निशाना बनाया गया है, क्योंकि तमाम रिहायशी इलाके तो तबाह कर दिए गए हैं, लेकिन अब जो हाथ पड़ रहा है उस पर रूस अपना कब्जा जमाना चाहता है। ऐसे में भीषण तबाही, बमबारी, फायरिंग लगातार उसकी ओर से की जा रही है, गोले बारूद लगातार दागे जा रहे हैं। तस्वीरें आप देखिए, सब कुछ किस तरीके से बिखरा पड़ा है, सब कुछ तहस नहस हो गया है। ये स्कूल की इमारत कभी हुआ करती थी, लेकिन अब ये मिट्टी में, धूल में मिल चुकी है बुरी तरीके से। और पीछे आगजनी होती हुई भी आप देख रहे होंगे, भीषण आग, वहां पर आग की लपटें उठती हुई दिखाई दे रही हैं और साथ साथ काले धुएं का गुबार भी पूरे आसमान में छा गया है। लेकिन तबाही का ये मंजर एक शहर का नहीं है, केवल खार्किव का नहीं है, केवल इस स्कूल का नहीं है, बल्कि वहां की हर इमारत की इस वक्त यही स्थिति है। तो तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं न्यूज 18 पर, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं और 22 दिन हो चुके हैं, लेकिन जंग और ज्यादा भीषण होती जा रही है। और यूक्रेन रूस के बीच जंग के 22 दिन हो चुके हैं। यूक्रेन के खार्किव में जिन जगहों पर रूस की सेना का कब्जा हो चुका है, वहां पर फंसे हुए लोगों की मदद के लिए भी नए सिरे से अभियान छेड़ा गया है। तस्वीरें जारी की हैं। रूस का दावा है कि खार्किव रीजन के एक जिले में 90,000 किलो राहत सामग्री लोगों तक पहुंचाई गई। इतना सामान ट्रकों के एक लंबे काफिले से पहुंचाया गया। मदद उन लोगों को दी गई जो कई दिनों से न केवल फंसे हुए थे, बल्कि उनके पास खाने पीने का सामान खत्म हो चुका था। ऐसे लोगों को रूस की फौज के अधिकारियों की मौजूदगी में खाने पीने का सामान बांटा गया। जूस, बिस्किट और नमकीन जैसी चीजें लोगों को दी गई जो कई दिनों तक इस्तेमाल की जा सके। रूस की कोशिश है कि यूक्रेन के जिन इलाकों पर उसकी फौज का कब्जा हो रहा है, वहां के लोगों का समर्थन भी हासिल किया जाए। फंसे हुए लोगों तक राहत सामग्री पहुंचाना इसी का एक हिस्सा माना जा रहा है। और वहीं यूक्रेन के खार्किव में जारी बमबारी की वजह से खाने पीने की चीजों से भरा एक गोदाम तबाह कर दिया गया। बताया गया कि उस गोदाम से जरूरतमंदों तक खाने का सामान पहुंचाया जा रहा था, लेकिन भीषण जंग में देखिए किस तरीके से सब कुछ तबाह होता हुआ नजर आ रहा है। खार्किव में रूस की सेना की गाड़ी पर भी यूक्रेनी सैनिकों ने गोलीबारी की है, उसकी भी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। लेकिन फिलहाल जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये एक फूड गोदाम था जहां पर खाने पीने का सामान रखा हुआ था और यहीं से सप्लाई की जा रही थी। जो लोग वहां पर रह गए हैं, जो मौजूद हैं, उनको किसी भी तरीके की किल्लत ना महसूस हो, ऐसे में वहां से खाने पीने का सामान उन तक पहुंचाया जा रहा था, लेकिन इसको भी तहस नहस कर दिया गया है।
रूस की ओर से, और खार्किव में रूस की बमबारी लगातार जारी। रूस की सेना ने एक स्कूल को भी निशाना बनाया है, भारी गोलीबारी में स्कूल भी तबाह हो चुका है। खार्किव के इलाके का स्कूल है जहां पर तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, वीडियो भी बकायदा इसका अब सामने आ गया है। लेकिन सब कुछ यहां पर धाराशाही हो गया है क्योंकि स्कूल पर अब हमला किया गया, ना स्कूल छोड़ा गया उसकी ओर से, ना ही रिहायशी इमारतें हो, प्रशासनिक इमारतें हो, न्यूक्लियर पावर प्लांट, उससे पहले पावर प्लांट्स को लगातार उसकी ओर से निशाना बनाया जा रहा था। लेकिन अब ऐसे क्षेत्रों को चिन्हित किया जा रहा है जहां पर लोग छुपे हुए हैं, और यूक्रेन के खार्किव में जारी बमबारी की वजह से खाने पीने की चीजों से भारी भरा एक गोदाम तबाह हो गया, और बताया गया कि उस गोदाम से जरूरतमंदों तक खाने का सामान पहुंचाया जा रहा था। लेकिन रूसी बमबारी की वजह से सब कुछ तबाह हो गया, जिसका एक वीडियो भी सामने आया जिसमें बमबारी के बाद वहां से आग की लपटें उठती हुई दिखाई दी। इसके तुरंत बाद राहत और बचाव दल के लोगों ने मोर्चा संभाल लिया और गोदाम में लगी आग को बुझाने में जुट गए। उन्होंने लगातार पानी की बौछार की जिससे आग तो काबू में आ गई, लेकिन उससे उठने वाले धुएं की वजह से वहां पर थोड़ी देर के लिए अंधेरा छा गया। अब हालात पूरी तरह से काबू में आ गए तो बचाव दल के लोगों ने वहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया ताकि कोई मलबे में फंसा हो तो उसकी मदद की जाए। रूसी हमले में सिर्फ गोदाम ही नहीं बल्कि आसपास की कई दूसरी इमारतों को भी काफी नुकसान पहुंचा।